एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम डूइंग मीशो टॉप हॉल। जब मैंने लास्ट टाइम किया हुआ था ना मीशो का जो टॉप रिव्यू, तो मुझे एक दो कमेंट्स आए थे कि पार्ट टू भी लेकर आओ, और मुझे उस वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था, तो मुझे लगा लेट्स डू इट अगेन। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉप के साथ, जो है ये भी ना सारे टॉप मतलब अंडर 300 के तो मिलेंगे, मतलब कुछ ही होंगे या एक ही या दो होगा जो 300 के अब होगा, वो भी 350 से ज्यादा का नहीं होगा। तो ये सारे टॉप्स बहुत अफोर्डेबल हैं, आप आराम से ले सकते हो। फर्स्ट वन इज दिस टैंक टॉप। इसका जो मटेरियल है वो रिब्ड मटेरियल होता है ना, शायद रिब्ड ही बोलते हैं इसको, तो उस मटेरियल का है। हल्का सी थ्रू है पर ब्लैक में उतना शो नहीं होता है। बहुत ही बेसिक सा है पर पहनने पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब आप इसको ट्रैवल कर सकते हो, आप अगर कॉलेज जाते हो तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको नॉर्मल से बेसिक से टॉप लगते हैं। तो इसका फैब्रिक तो मुझे अच्छा लगा, पर इसका जो भी उन्होंने स्टिचिंग की हुई है वो बहुत बेकार है। यहाँ से बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं किया हुआ है, बिल्कुल फिनिशिंग नहीं है यहाँ पर, और यहाँ से धागा निकल रहा था, ये आपको दिख रहा होगा, इससे धागे निकल रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। अगर आप उसको इग्नोर कर सकते हो ना तो आप इसको ले सकते हो, मतलब मुझे तो अच्छा लगा, मतलब इतने कम प्राइस में ये सारी चीज़ें अगर आप इग्नोर कर सकते हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि इसके प्राइस के वजह से, अगर मैं आपका इसका प्राइस बताऊंगी ना तो आप लोग शॉक्ड हो जाओगे। ये सिर्फ है 167 रुपीज़ का, पर मुझे इससे भी कम पर मिला, क्योंकि इसमें कुछ डिस्काउंट था जिसकी वजह से मुझे 158 का मिला है। बहुत सही डील है यार, मतलब इतने सस्ते में ऐसे क्रॉप टॉप जो ब्लैक कलर का, मतलब अच्छा लग रहा है। मुझे थोड़ा छोटा हो रहा था ये, इसका मुझे एक साइज अप करके बुलवाना था। अभी क्या हुआ ना, मैंने जितने भी टॉप ऑर्डर करे हैं मेरे को हमेशा स्मॉल साइज लगता है, पर स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल, तो मैंने सारे टॉप ऐसे ही ऑर्डर करे हैं, तो वो मुझे छोटे हो रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब मीशो ने साइज के साथ क्या कर दिया है पता नहीं। तो इसलिए आप अगर जब भी ऑर्डर करोगे ना तो आप एक साइज अप करके ही ऑर्डर करना, क्योंकि मुझे सारे टॉप थोड़े छोटे हो रहे हैं, तो इसीलिए। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉप, जो है ये वाइट कलर। ओ ये भी उल्टा है, मैंने सारे ट्राई करके रखे हुए हैं तो इसीलिए ना ये सारे उल्टे उल्टे पड़े हुए हैं। जो ये ब्लैक टी शर्ट, नॉर्मल प्लेन टी शर्ट है, जो बहुत मुझे इसकी ना क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इसमें यहाँ पर ऐसे कुछ तो भी दिया हुआ है, आपको एडजस्ट करके ऐसे क्रॉप कर सकते हो आप इसको, अगर ये दोनों साइड पर इससे ऐसे छोटा सा हो जाएगा, अगर आपको नॉर्मल टी शर्ट टाइप पहनना है तो ऐसे भी इन करके पहन सकते हो। इसमें इसकी मुझे ना सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी पता है, इसमें फिनिशिंग देखो, यहाँ से नेक से कितने अच्छे से इन्होंने सिलाई की हुई है। वरना मीशो में ना हमेशा क्या होता है कि फैब्रिक तो ठीक ठाक दे देते हैं लेकिन उन लोग स्टिचिंग बिल्कुल अच्छे से नहीं करते हैं, तो ये चीज़ बहुत बेकार है। यहाँ पर कुछ दाग भी लगा हुआ है, शायद मुझसे ही लग गया है। और इसका जो साइज था वो स्मॉल साइज मैंने ऑर्डर किया था, ये भी मुझे हल्का थोड़ा छोटा हो रहा था, तो इसका भी मुझे एक साइज अप करके ऑर्डर करना पड़ेगा, इसको मैं एक्सचेंज कराऊंगी। इसका प्राइस था 191, पर मुझे डिस्काउंट लगाकर ना 177 का मिला, 14 रुपीस का डिस्काउंट था, तो उसकी वजह से मुझे ये 177 का। अगर आपको चाहिए ना ऐसे प्लेन टी शर्ट तो आप इसको ले सकते हो आराम से, बस इसका ना याद रखना कि एक साइज अप करके ही लेना अपना, क्योंकि वो छोटा साइज पता नहीं क्यों छोटा क्यों हो रहा है, मतलब मुझे स्मॉल हो जाता है पर ये मुझे छोटा हो रहा था, तो इसीलिए अब मुझे उसको एक्सचेंज करा कर एम लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग अगर ऑर्डर करोगे ना तो एक अपने साइज से एक साइज अप ही करके ऑर्डर करना। ओके, अभी हम देखते हैं हमारा थर्ड टॉप, जो है ये कलरफुल सा। इसको पहनकर और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना मेरे को, बहुत ही इसका जो मटेरियल है बहुत हल्का है, समर के लिए तो बहुत सही है यार, बहुत अच्छा है, मतलब स्टाइल करके ना आप इसको गरबा खेलने भी डेफिनेटली जा सकते हो पहनकर। और इसका जो साइज है ना मेरा वो स्मॉल साइज था, और इसका प्राइस था 202, पर इसमें भी मुझे कुछ डिस्काउंट मिला और ये मुझे 188 का मिला, 14 रुपीज़ डिस्काउंट। शायद मुझे इसलिए डिस्काउंट मिला ना क्योंकि जितने भी मैंने टॉप ऑर्डर करे तो मैंने ऑनलाइन पे किया था, इसीलिए शायद, अब पता नहीं क्यों मिला है, शायद आपको भी मिले
ना मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, आप इसको ले सकते हो क्योंकि ये बहुत अच्छा है। रियोन फैब्रिक होता है ना, वो फैब्रिक है शायद इसका, मस्त है। मतलब 188 में तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो अब देखते हैं हमारा फोर्थ टॉप जो है, ये प्रिंटेड, इस पे छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं। देखो यहाँ पर फूल पत्तियां बनी हुई हैं। इस बार पता है मैंने ट्राई किया ना कि मैं थोड़ा प्रिंटेड ही लूँ, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैंने सारे प्लेन टॉप ऑर्डर किए थे, क्योंकि मेरे को ना हमेशा प्लेन ही अच्छा लगता है। मतलब मैं प्रिंटेड ले नहीं पाती हूँ, हमेशा सोचती हूँ कि मैं प्रिंटेड लूँ पर नहीं ले पाती हूँ। तो इस बार मैंने एकदम फोकस्ड होके देखा कि नहीं, मेरे को इस बार प्रिंटेड लेना है लेना है। तो मेरे से ज़्यादा तो नहीं हो पाया, पर मैंने दो तीन टॉप लिए हैं थोड़े प्रिंटेड, एकदम प्लेन नहीं लिया है। तो जिसमें ये भी है एक, और इसका थोड़ा स्टाइलिंग भी अलग है जो मुझे अच्छा लगा। मतलब थोड़ा डिफरेंट है, मैंने ऐसा कभी नहीं पहना था, मतलब मैंने ऐसे कभी टॉप नहीं पहने थे, ना ये मेरा स्टाइल है, पर ये जब मैंने पहना ना तो मुझे अच्छा लगा, मतलब अच्छा लग रहा था मेरे ऊपर। और जिसका फैब्रिक है ये भी शायद रियोन फैब्रिक है, नहीं रियोन नहीं है, कुछ और है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है क्योंकि ये, और इसका जो मटेरियल फैब्रिक है ना वो भी बहुत सॉफ्ट है। रियोन जो होता है ना थोड़ा सा अजीब सा होता है, पर ये जो है इसका सॉफ्ट है, शायद ये कॉटन है। एक सेकेंड मैं देख के बता देती हूँ ना, अरे रियोनी है ये, पर ये बहुत सॉफ्ट लग रहा है, मतलब रियोन टाइप लग नहीं रहा था मुझे। ये दोनों ही टॉप मुझे अच्छे लगे, इनको ना पहनकर मजा आ रहा था और सुंदर भी दिख रहे थे। मतलब ये मैंने इस टाइप का कभी पहना नहीं था, मैं नॉर्मल टी शर्ट टाइप ही टॉप पहनती हूँ, आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, मैंने बस मतलब टी शर्ट प्लेन ऐसे क्रॉप टॉप ऐसे ही ऑर्डर करे थे, पर इस टाइम मैंने ट्राई किया थोड़ा कुछ डिफरेंट करते हैं, तो इसीलिए इस टाइप के कुछ टॉप मैंने ऑर्डर किया और वो अच्छे लग रहे हैं। मतलब पहनने पर अच्छे लग रहे हैं, मुझे लगता था ना हमेशा कि नहीं लगेगा ये मेरे ऊपर, शायद ये अच्छा नहीं लगेगा, पर ये अच्छे लगे। ओके सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्राइस। तो यही टॉप है जो इस हॉल में सबसे ज़्यादा महंगा है, मतलब 300 के ऊपर यही है। तो इसका था 331 जो इसका एक्चुअल प्राइस था, पर ये मुझे मिला 317 में, हाँ 317। तो इस पर ना यहाँ इसके स्लीव्स कुछ ऐसे फैले फैले से हैं, बड़े बड़े स्लीव्स हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़ा आता है इसको पहनकर। यहाँ पर इलास्टिक दी हुई है, इसकी वजह से ना फिटिंग बहुत अच्छी आती है। यहाँ पर ऐसे आप अगर इसको ऐसे ऊपर करके पहनोगे ना थोड़ा बलून वाला बन जाएगा, और आप इसको नीचे करके भी पहन सकते हो। यहाँ पर आपके कमर पे इलास्टिक आएगी। इसका कलर ना, जो कलर कॉम्बिनेशन है मुझे बहुत अच्छा लगा। लेट्स सी आवर फिफ्थ टॉप जो है, ये ग्रीन कलर। ये ना पता है मैंने क्यों समर्स के जो हॉल कर रही हूँ उसमें ये टॉप ऑर्डर कर लिया है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ये विंटर्स के लिए परफेक्ट रहेगा, समर्स के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है इस पर। अभी फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बाकी ये ना इसका क्योंकि जो भी फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा वार्म है, और इसको ये फुल स्लीव्स है, यहाँ पर ऐसे वाइट कलर से कुछ तो भी हुआ है, यहाँ पर ये फुल स्लीव्स है। और इसका जो साइज था ना, ये मैंने मीडियम साइज ऑर्डर किया था, और इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 233, पर मुझे डिस्काउंट लगाकर 219 में मिला। अभी तो ये अभी किसी काम का नहीं है हमारे फिलहाल में, लेकिन अगर किसी को लेना है वो विंटर में पहन सकते हैं ना, अभी भी लेकर के फिर वो आप लोग विंटर में पहन सकते हो तो आप इसको ले सकते हो। बाकी ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, आप मेरे ट्राई ऑन में देख लेना। और हाँ, इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शंस भी मिलेंगे आपको, शायद 4 या 5 कलर्स का भी आप कलर ऑप्शन मिलेंगे, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ग्रीन नहीं लेना है तो येलो है शायद, ब्लू है, ब्लैक है, ऐसे आपको कलर्स मिलेंगे। चलो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉप जो है, ये कलरफुल सा फुल स्लीव्स टॉप जो बहुत ज़्यादा बेकार है, मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों मैंने इसको ऑर्डर किया हुआ है। ये बहुत मतलब अतरंगी सा है, बहुत ही बेकार लग रहा था इसको मैंने पहना भी ना, तो इसकी फिटिंग भी सही नहीं आई मेरे को, और इसके स्लीव्स ऐसे हैं, देखना फुल स्लीव्स है। इसको पहनकर तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि जो इसका फैब्रिक है ना वो समर्स के लिए परफेक्ट है, तो आप इसको नहीं मत लेना क्योंकि ये बहुत जोकर टाइप लग रहा था, मैं मतलब बहुत गंदी दिख रही थी इस पर, तो मुझे लगा पता नहीं किस मूड में मैंने इसे ले लिया था। यहाँ पर ना आपको देखना जो साइड पर कमर पर इसे कुछ बांधने को मिलेगा, इसका कुछ होगा शायद डिज़ाइन जो भी है,
दोनों साइड पर है जो ऐसे बांधने के लिए, फुल स्लीव्स है इसके और इसका नेक राउंड नेक है। मैंने इसका जो साइज है वो एक्स्ट्रा स्मॉल ऑर्डर किया था, पर ये मुझे ना अच्छे से फिट हुआ। मतलब मैं अभी बोल रही थी ना कि आपको एक साइज अप करके ऑर्डर करना चाहिए जो भी आप करोगे, लेकिन इसको मत करना, आपका जो साइज है वो आप वही साइज ऑर्डर करना अगर आपको चाहिए तो। इसका फैब्रिक ठीक ठाक है, मतलब अच्छा फैब्रिक है, पर जो इसका पैटर्न है वो बहुत गंदा है। मतलब पता नहीं, बहुत डम सा कलर है और आई डोंट नो, मुझे अच्छा नहीं लगा ये। ओके, सो अब बारी है हमारे लास्ट टॉप की, जो है ये डबल कलर टॉप। इसको शायद ना आपने देखा होगा मीशो पर, मतलब ये टॉप बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रेंडिंग में है और ये ना है भी बहुत प्रिटी। मतलब इसका, इसको जब मैंने पहना, वाओ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था यार। क्रॉप है ये भी। इसका जो साइज था ना वो मैंने स्मॉल ऑर्डर किया था शायद, हाँ स्मॉल ही था। इसके प्राइस की बात करते हैं, इसका प्राइस देखते पहले। हाँ, 256 इसका प्राइस है, 256। इसका जो भी मटेरियल है ना वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका जो मैंने साइज ऑर्डर किया था वो एस नहीं था, एम साइज ऑर्डर किया था, तो ये मुझे बहुत अच्छे से फिट हुआ। अगर इसको भी मैं ना स्मॉल साइज ऑर्डर करती ना तो ये पक्का मेरे को छोटा होता। थैंक गॉड, पता नहीं मैंने कहाँ से दिमाग आ गया था मेरे अंदर कि मैंने इसे एम साइज ऑर्डर कर लिया। इसका मटेरियल मुझे बहुत अच्छा लगा, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ बहुत अच्छा है। इसको पहनकर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके ना आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शंस मिलेंगे, ब्लैक, ग्रीन ऐसे था। मुझे भी ना ग्रीन वाला चाहिए था पर वो शायद आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, इसलिए मैंने ये वाला कलर ऑर्डर किया और ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया। इसका प्राइस है 256, पर डिस्काउंट लगा के ये भी मुझे 242 का मिला। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और भी अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए ना तो आप मुझे कमेंट कर देना।